पालनहार कौन है? एक आदमी बोला, एक सज्जन बोले, महाराज जी माँ बाप ना होते तो हमारा लालन पालन कौन करता? हमने कहा भैया हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप जन्म देते ही मर जाते हैं, फिर भी वो पल जाते हैं। मतलब किसी का पालनहार, जो आप लोग मैया गाती हो ना, मैंने बेटे को पाल पोस के बड़ा कर दिया, मैंने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, तुमने बड़ा कर दिया तो तुमने खींच खींच के बड़ा किया होगा। कैसे बड़ा कर दिया तुमने? तुम कौन होते हो बड़ा करने वाला? बाले है ना, बड़े करने वाले पालन करने वाले कौन हैं? कौन है मेरी माँ? इसलिए ये मत कहो कि हमने पालन किया, हमने पाल पोस के बड़ा, नहीं। सब की जिस परमात्मा ने माँ के पेट में हमें नहीं मरने दिया, उल्टा लटके थे, जिस परमात्मा ने माँ के गर्भ में हमारी रक्षा की, वही परमात्मा है हमारी रक्षा करने वाला। जिस परमात्मा ने माँ के पेट में नाभि के द्वारा हमारा पेट भरा, वही परमात्मा है सबका पालनहार और सबका पेट भरने वाला। इसलिए आप ये ना कहें कि हम तुम्हें खिलाते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम 10 लोगों को खिलाते हैं, हम 20 लोगों को खिलाते हैं। सही बताएं, कोई किसी को नहीं खिलाता, सबको खिलाने वाले। अच्छा एक बात बताओ, किसान खेत में बीज बोता है, यदि भगवान, यदि वो अंकुरित ही ना हो तो क्या कर लेगा किसान? किससे शिकायत करेगा किसान? किसान का काम है खेत में बीज बोना, बस अंकुरित करना उस ईश्वर का काम है। इसलिए ये प्रकृति, आज हमें दाल चावल सब्जी रोटी मिल रही है तो किसी वैज्ञानिक की देन नहीं है। दाल चावल सब्जी रोटी पृथ्वी से मिल रही है और ये भगवत कृपा है, वही तो है जो पृथ्वी माता के माध्यम से हमारा और आपका रोटी चावल देकर दाल देकर हम सबका पालन कर रहे हैं। यदि पृथ्वी माता अनाज देना बंद कर दे तो रुपया पैसा खाओगे क्या? सोना चांदी चबाओगे क्या? बोलो तो पालन कौन कर रहा है आपका? पालनहार कौन है हम सबके? हाँ, हम सबके पालनहार भगवान हैं। इसलिए मेरी माँ आप ये ना कहा करो हम पेट पेट भर रहे हैं किसी का, हम इनका पे ना, कोई किसी का पेट नहीं भरता, सबके पालनहार